सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य का, नाम था उसका पार्ट 12। उसका नाम था राधू और बैलगाड़ी का पहिया। बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा था कि बच्चे के अंदर कैसी नई बनी नई बातें सीखने की लगन होती है, और बच्चों जब लगन होगी तभी तो हम कुछ बात या कोई भी नई चीज़ सीख पाएंगे। जैसे राधू के मन में जब उन दादा के साथ वो शहर जा रहा था तो जो रेस के बैलगाड़ी का पहिया था वो कैसे घूम रहा है, तो उसके मन में आया कि ये कैसे घूम रहा है। तब उसने दादी जी से पूछा कि ये जो बैलगाड़ी का पहिया है ये ऐसे क्यों घूम रहा है। तो फिर उसके मन में आया, तो फिर उसके दादी ने उसको बताया। क्योंकि बच्चों के अंदर कोई जब सवाल होता है तो बड़े कोशिश करते हैं उन्होंने उनकी उनकी जो इच्छा होती है या उनकी जो जिज्ञासा मन होता है उनको पूरा किया जाए, यानी उनको जो सवाल उन्होंने पूछा है उसको बताया जाए। तो उसके दादू ने भी बताया कि हमारी जो दैनिक जो जीवन है वो किसे पहिए से ही शुरुआत होती है, और देखो पहिए की पहिए ने कैसे रेल बैलगाड़ी से शुरू होकर हवाई जहाज के जो जहाँ पर पहिए भी है वहाँ तक कितना विकास किया है, रेलगाड़ी के, बैलगाड़ी के, कार के, मोटरसाइकिल के और साइकिल सब पर बिना पहिए के हम चल नहीं सकते। और फिर उसने कहा कि जूस की जो दुकान होती है, मशीन होती है, वहाँ पर भी इनके ये पहिए लगे होते हैं। तो बच्चों, जो हमारी जो सारी जो दैनिक चीज़ें हैं वो पहिए से शुरुआत होती है। जैसे समय देखना, सुबह हम देखते जो घड़ी भी चलती है वो उससे ही चलती है। ठीक है बच्चों, तो आप ये कहानी पढ़ चुके हैं, इसमें आपने नई बात क्या सीखी, एक तो पहिया इसकी शुरुआत कब हुई थी, 5000 साल पहले। ठीक है बच्चों, और फिर जो ये गाड़ियाँ हैं, जो भारी जो बड़े बड़े वाहन वगैरह होते हैं, ट्रक होते हैं, रेलगाड़ी होती है, तो इनके पहिए कब बनने शुरू हुए थे, जिसका आविष्कार तो किसने खोज की थी, उसका 1888 में, तब ये लोहे के जब लोहे की खोज हुई तो उसके बाद धीरे धीरे ये इसके लोहे के पहिए बनने शुरू हो गए। जैसे आप देखते हो जो साइकिल के जो टायर भी होते हैं, जो पहिए होते हैं, उसके अंदर स्टील की या लोहे की कोई चीज़ हो तो फिर उसके अंदर पतली पतली तारे से भी होती है ना। या फिर आपने गाड़ियों के पहिए देखे होंगे, उसके अंदर लोहे की स्टेपनी होती है ना स्टेपनी। तो बच्चों, और तो इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा इसमें कि जो पहिए होते हैं उससे ही देश का विकास होता है, इसी से ही मनुष्य ने अपना विकास किया। क्योंकि पहले एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना मुश्किल होता था, कई बार असंभव होता था। ठीक है बच्चों, लेकिन जब से पहिए की शुरुआत हुई इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच पाया। और जो पहली जो गाड़ी थी उसका क्या नाम था, स्लेज, जिसको बहुत सारे कई कुत्ते इकट्ठे होकर और पीछे रस्सी से बांधकर, पीछे 2-3 फट्टे को इकट्ठा जोड़कर उनसे एक तख्ता सा बनाया जाता जिसको वो कुत्ते खींचते, उसको बोलते थे स्लेज। तो बच्चों, जो कहानी आप पढ़ चुके हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली। तो बच्चों, आज हम करेंगे शब्द पाठ में आए हुए नए शब्द, तो आप बोल बोल इसको साफ साफ अपने नोटबुक में लिखेंगे। हमारा पहला शब्द है पोखर। पोखर यानी कि तालाब। अब पहले नए शब्द लिखे अपनी नोटबुक पर, फिर हम इनका शब्द अर्थ में लिखेंगे। ठीक है, शब्द इन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगी आपको। पहला हमारा पोखर, अब बोलना सीखिए इसको पोखर। दूसरा आकृति, आकृति। तीसरा है निहारना, तीसरा है निहारना। चौथे नंबर पर है मन उचटना, मन उचटना। पांचवा है आविष्कार, क्या है आविष्कार। अगला हमारा छठा आवश्यक उपकरण, आवश्यक उपकरण। सातवां हमारा रफ्तार, रफ आदत र अदफ तार, रफ्तार। और आठवां है स्लेज, क्या नाम आठवां, स्लेज। तो बच्चों, करते हैं अब अपने जो हमारे नए शब्द हैं इनके अर्थ। पहला शब्द हमारा पोखर, पोखर यानी कि इसका अर्थ है तालाब। वाक्य राधू और उसके
मित्र पोखर के किनारे बैठे थे। राजू और उसके मित्र पोखर के किनारे बैठे थे। दो दूसरा शब्द है आकृति यानी कि छाया। आकृति यानी कि छाया या फिर चित्र। आसमान वाक्य लिखेंगे। आसमान में कितनी सुंदर बादलों की आकृति बनी हुई है। आसमान में कितनी सुंदर बादलों की आकृति बनी हुई है। तीसरा निहारना क्या है। निहारना निहारना यानी कि देखना। ठीक है, जो कोई चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको प्यार से निहारते रहते हैं, देखते रहते उसके अंदर। मान लो गुलाब का फूल है, हम उसको बार बार देखते हैं, कितना सुंदर फूल है, कितना अच्छा फूल है, तो उसको बार बार देखना। तो क्या लिखेंगे बच्चे, वाक्य में लिखेंगे हम बच्चे सोना गिरनी को निहार रहे थे। बच्चे सोना गिरनी को निहार रहे थे। अगला हमारा शब्द है मन उचटना। मन उचटना बोर होना यानी कि किसी चीज को करने का मन ना हो। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार पढ़ाई करते करते कई बार ऐसा होता है हमारा मन उचट जाता है, यानी हम बोर हो जाते हैं कि हम बार बार वही काम कर रहे हैं तो हमें वो काम करने का मन नहीं करता, तो उसको क्या है मन उचटना बोर होना। वाक्य लिखेंगे अनुज का टीवी देखते देखते मन उचट गया है। अनुज का टीवी देखते देखते मन उचट गया। पांचवा हमारा आविष्कार। आविष्कार यानी कि खोज। आविष्कार आविश्य आविष्कार इसका अर्थ होता खोज। वाक्य लिखेंगे जान बायर डनलप ने टायर का आविष्कार किया। ठीक है, जान बायर डनलप ने टायर का आविष्कार किया। तो बच्चों अपने शब्द अर्थ लिख लिए हैं, उनके साथ साथ याद करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।